में काउंट करूंगा, मिशनरी लोगों में काउंट करूंगा, सबको पहले मैं सबको बैठे लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। जयजोर। मैं सोचता हूँ कि इतने ही मजबूत लोग हों तो हम सिविल कोर्ट की बात करने लायक एक मंच भी हासिल कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मैं सिविल कोर्ट पर 3-4 दिन का जो अध्ययन किया उसके आधार पर बोलूंगा। मैं कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर अपने विचार कभी रखता नहीं हूँ, सन 82 से कभी रखे नहीं। उनके विचार पढ़ के उसी टॉपिक पर जो मैं जाना हूँ सीखा हूँ वही रखूंगा। आप उसमें शेयर करेंगे, शांति के साथ में सुनेंगे। इम्पोर्टेंट नॉलेज भी है और बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब हम कहते हैं इसका मतलब होता है कि समाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए सब नियम कायदा मान्यताएं, उनका सम्मान इज्जत जो भी उनके साथ व्यवहार हो वो सब समान होना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में दो तरह के निजाम देखते हैं। एक निजाम जो कुदरती निजाम है, सब दुनिया पर लागू है समान तरीके से, और एक दूसरा जो निजाम है ये मानव निर्मित निजाम है। उनमें सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताऊँ क्या जो विचार इस वक्त जिले में, मैं उसी को कोट कर देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारे देश में अगर हमारा संविधान ये लागू होगा, अगर वो सिविल कोड तक पहुँचता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो हमारे संविधान का जो मकसद है वो हासिल होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सिविल कोड है ये वॉलंटरीली होना चाहिए, ये एनफोर्स नहीं किया जाना चाहिए, ये लोगों के मन से आना चाहिए। उसके विस्तार में उन्होंने, मैंने उनकी 2-3 स्पीच पढ़ी जो उन्होंने पत्रकार को दी, बीबीसी के पत्रकार को, वो मेरा बेटा बीबीसी में, मैंने उन्हें करवा ली, उन्होंने पढ़ी है, बहुत ही जोरदार है। उन्होंने कहा कि जो कोई आदमी इस देश में जहाँ बहुत सी तरह तरह की संस्कृति, तरह तरह की परंपराओं वाले लोग कहते हैं, अगर इसको सिविल कोड ऐसे ही लागू कर दिया जाएगा तो इट विल बी मैडनेस जस्ट लाइक ए पागलपन। इसलिए उन्होंने बहुत ही उसमें सुझाव दिया है कि इसे जब सिविल कोड लागू हो तो उससे पहले लोगों में सामाजिक आंदोलन चला के सबको समानता के उस पर लाया जाए ताकि लोग उसे एक्सेप्ट करें हैप्पीली, तब वो लागू होगा। अब सिविल कोड के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मैंने बताया पहले, दो निजाम हम देखते हैं, कुदरती निजाम, मानव निर्मित निजाम। कुदरती निजाम में सिविल कोड लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सूरज रोज निकलता है, समय पर निकलता है, रोशनी देता है, गर्मी देता है। चंद्रमा रात को निकलता है, पूरी दुनिया में एक तरह निकलता है, जैसे सूरज भी चंद्रमा भी, हवा चलती रहती है उसमें, हवा के जो कॉन्स्टेंट है पूरी दुनिया में एक से है। आदमी पूरी दुनिया का कोई भी ले आइए, सबके अंदर ब्लड के 4 ही ग्रुप हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप, सब है। सारे जीव, जितने भी जीव हैं वो सारे लोग, सारे जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। सारी वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ देती हैं। ऐसे वहां तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोड है, सब जगह यूनिफॉर्म बना हुआ है। हम कहीं का भी बच्चा ला के, लड़की और कहीं का भी लड़का लेके शादी करते हैं पूरी दुनिया के लोगों में से, उनका कोई संतान हो जाता है। ये यूनिफॉर्मल कोड का उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। लेकिन भारत का जो समाज है ये इतना विचित्र समाज है कि वो ये भी मानने को तैयार नहीं हो रहा है आजादी के 70 साल बाद कि सब आदमी एक से हैं, सब भाई हैं, सब ईश्वर की संतान हैं। ये एक मसला है। अब हमारा जब संविधान हुआ चालू, तो आज जैसे हमारा मौका लगा है बोल पा रहे हैं इस पर, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी हमारी, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिए थे। लोग पढ़ना नहीं चाहते, पता नहीं पढ़ते नहीं हैं, उन्होंने बहुत काम किया सब लोगों को बराबरी लाने का, खास करके औरतों को भी बराबर लाने का, सभी लोगों को उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन जो इस मामले में, जो सिविल कोड के मामले में, उन्होंने बहुत ताकत लगाई कि किस तरह से कुछ हो जाए, हिंदू कोड बिल हो जाए। लेकिन वो सब लोगों पर विरोधी बहुत थे, वो हो नहीं पाया। लेकिन उन्होंने प्रेमेंडमेंट्स को डाल दिया। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के जो सरकारें होंगी वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी आदमी के मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, या किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन उनमें नहीं होगा। जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसी को हम कहेंगे सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड।
लेकिन हमारे जो जिसको अंबेडकर ने खुद अपने स्पीच में कहा भी और नाम लेके कहा कि मैं ये कभी पसंद नहीं करता कि जो धर्म है धर्म रहने धर्मों को लोग माने लेकिन वो हमारे रूल रेगुलेशन के ऊपर हावी हो जाए ये मैं पसंद नहीं करता। इसका कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, यही होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन उसके लिए फिर हमारे राष्ट्रपति थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि अगर सिविल कोड का बिल लाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और नेहरू समर्थन में थे भी लेकिन वल्लभ भाई पटेल और ये अड़ गए, इस्तीफे की बात आ गई, डॉक्टर अम्बेडकर उसको फिर परेंद्र में डालने में सफल हुए हैं। आज हम डॉक्टर अम्बेडकर की स्थिति में नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर ये साथ जो कर रहे थे वो 49 और 50 की स्थिति है, 47 से 50 की स्थिति है। उस समय तो सड़क पर लोग इतने देर से पड़े हुए कुछ होंगे ही नहीं, और अब तो पूरी फौज है, पूरा देश में अभी लद्दाख का मंदिर का घटना हुई, अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपना बयान बदलना पड़ गया, कहना पड़ा कि हाँ बना दो। तो अब जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है, घबराने का कोई जरूरत नहीं, चिंता का कोई जरूरत नहीं। सिविल कोड को सरकार लागू करे ना करे हम लागू कर सकते हैं, हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, हम मांग सकते हैं। और अभी मैं सोचता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेष भाग है जो लागू होना है वो एक्चुअली वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, उसके लिए सामाजिक आंदोलन जरूरत होंगे, और आज मैं इस सभा में मन कर रहा हूँ। अभी हमारा टाइम भी कम रहेगा, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी कम समय था, कम समर्थक थे, अब बंद करेंगे। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ अपनी बात को, लेकिन ये कहते हुए कि सिविल कोड को लागू करने में हम लोगों की भूमिका है, समाज की भूमिका है, ये कानून काम नहीं है, तो सामाजिक चेतना के आंदोलन चलाए जाए, यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद, मुझे बुलाया गया, बोलने का मौका दिया गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।